अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम आस्कॉन्सिल के पास मौजूद हैं जहाँ पर नर्सेज और डॉक्टर्स जिन्होंने कोविड के दौरान सिंध में खिदमत सर अंजाम दी थी वो सरापा एहतजाज हैं और उनके एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी है। गुज़श्ता दिनों उनको यकीन दहानी कराई गई थी आसामी के मुस्तकिल करने का, मगर ऐसा ना होने पर अब वो मज़ीद एहतजाज कर रहे हैं और उनके कुछ साथी भी गिरफ्तार हैं। अब उनका मुतालबा है कि जब तक हमें मुस्तकिल नहीं किया जाता और हमारे गिरफ्तार साथियों को रिहा नहीं किया जाता, जब तक एहतजाज जारी रहेगा। आइए उनसे बात करते हैं। हम सोल्जर आज जेल भरो तहरीक का ऐलान करते हैं, वरना हमारे जो मुतालबात हैं हमारे पूरे किए जाएं। और हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं हैं, हम डॉक्टर हैं। हमने आप लोगों की जानें बचाई हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। जब आपके मिनिस्टर बीमार होते थे तो हमने उनकी वैक्सीनेशन की, हमने उनके कोविड से टेस्ट किए, हमने आईसीयू में ड्यूटी करके उनकी जान बचाई, पर अल्लाह ताला के फजल करम से। तो मैं आखिर में ये सिंध गवर्नमेंट को चिता देता हूँ कि हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। थैंक यू सो मच। अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जबकि प्रेस क्लब से आर्ट्स काउंसिल की जानब जाने वाली सड़क इस वक्त बंद है, ट्रैफिक मुतासर है और मुजाहरीन हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और किसी किस्म के मुजाकरात के लिए तैयार नहीं है जब तक उनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए और उनके साथियों को रिहा ना किया जाए।